अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हमाद अली। ब्लॉगिंग कोर्स की नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने ब्लॉग या वेबसाइट के लिए एक आर्टिकल या फिर पोस्ट का जो है टॉपिक किस तरह से चूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने कोई आर्टिकल लिखना है, कोई पोस्ट लिखनी है, उसके लिए हम अपना जो है कीवर्ड कोई ऐसा यूज़ करना चाहते हैं, वो हम किस तरह से कीवर्ड तलाश कर सकते हैं जो हमारे लिए हमारी जो पोस्ट जिसकी वजह से हमारी पोस्ट रैंक भी हो और हमें हाई CPC अर्निंग भी हो। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कीवर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, हमारे जो पोस्ट का टॉपिक जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये आपने किस तरह से चूज़ करना है आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने जो पोस्ट का जो है पोस्ट के लिए जो टॉपिक आपने चूज़ करना है, सबसे पहले आपने ब्लॉग का नीचे देखना है कि आपका ब्लॉग जो है किस टॉपिक के ऊपर बना हुआ है। अगर आपका ब्लॉग न्यूज़ से रिलेटेड है तो आपने उसी से रिलेटेड कोई कीवर्ड तलाश करना है। अगर आपका ब्लॉग जो है मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड है तो आपने उसी से रिलेटेड कीवर्ड को फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं आपको गूगल पर लेकर चलता हूँ, गूगल पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरह से कीवर्ड को फाइंड करना है। यहाँ पर मैं गूगल पर आ गया। इसके अलावा मैं यहाँ पर यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ, यूट्यूब के ऊपर मैं आ गया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं गूगल के ऊपर यहाँ पर कुछ सर्च करता हूँ। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ हाउ टू। तो यहाँ पर मैंने हाउ टू लिखा है और उसके नीचे आप देख सकते हैं कि कितने कीवर्ड यहाँ पर आ चुके हैं। हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर फ्री। इसके अलावा इसमें आप कुछ और इजाफा करते हैं, यानी कि मैं यहाँ पर हाउ टू लिखा है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाउ टू मेक। अब मैंने मेक लिखा और मनी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें नीचे कीवर्ड चेंज हो गए, हाउ टू मेक मनी ब्लॉगर, हाउ टू मेक मनी यूट्यूब, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फ्री, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन नाइजेरिया, हाउ टू मेक मनी विद ब्लॉगर, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम होम। तो इस तरह से ये कीवर्ड यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं सर्च के अंदर। तो इसके अलावा आप लिखें हाउ टू मेक, आप एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर एक ब्लॉग लिखना चाहते हैं, एक आर्टिकल लिखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाउ टू मेक मनी। तो देखें यहाँ पर मैंने हाउ टू मेक मनी AFF लिखा है। अब यहाँ पर देखिए इसने हमें कैसे कीवर्ड दे दीजिए, हाउ टू मेक मनी एफिलिएट मार्केटिंग, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। हाउ टू मेक मनी एफिलिएट मार्केटिंग क्रेडिट, ये ज़्यादा कीवर्ड यूज़ हो रहा है। हाउ टू मेक मनी एफिलिएट मार्केटिंग विदाउट ए वेबसाइट, तो यहाँ पर देखें एफिलिएट सेल्स, एफिलिएट सेलिंग, तो ये जो कीवर्ड हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं कीवर्ड, इसलिए ये गूगल ने यहाँ पर हमारे नीचे जो है हम ऊपर सर्च कर रहे हैं और नीचे हमारे शो कर दिए हैं कीवर्ड। तो अगर आप इन कीवर्ड को किसी भी कीवर्ड को यूज़ करते हो तो आपकी जो है वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आएगी। तो यहाँ पर देखें मैं यहाँ पर हाउ टू मेक मनी एफिलिएट अमेज़ोन, तो इसके ऊपर ही मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर कीवर्ड मिल चुके हैं हाउ टू मेक मनी एज ए अमेज़ोन एफिलिएट, 15 steps टू मेक मनी विद योर ओन अमेज़ोन एफिलिएट साइट। तो ये देखें कितने कीवर्ड हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारा जो है आर्टिकल का टाइटल है हाउ टू मेक मनी एफिलिएट अमेज़ोन। तो अब हमने जो इस ब्लॉग के अंदर हेडिंग जो यूज़ करनी है, कुछ हमने जो उस अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर हेडिंग वगैरह यूज़ करते हैं वो आपने कैसे यूज़ करनी है। अब ये देखें हाउ टू मेक मनी एफिलिएट अमेज़ोन, उसके बाद हमारे पास एक नीचे देखें पीपल आल्सो आस्क, पीपल किस तरह से वो बता रहा है कि मज़ीद सर्च कर रहे हैं। तो हाउ मच डू अमेज़ोन एफिलिएट गेट पेड, अब आपने इसको अपने ब्लॉग के अंदर हेडिंग बना लेना है हाउ मच अमेज़ोन एफिलिएट गेट पेड। उसके बाद ये देखें उसके नीचे इसमें लिखा हुआ है कितनी अमेज़ोन पेमेंट कर रहा है। उसके नीचे हमने अभी इसको हमने ओपन ही किया था तो उसके नीचे हमें मिल गए हाउ डू यू मेक मनी एज एन अमेज़ोन एफिलिएट। अब ये हमारे पास एक टॉपिक आ गया, हेडिंग आ गई। यहाँ पर मैं अपनी एक पोस्ट ओपन करके आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये देखिए सोशल मीडिया कंपेन स्ट्रेटजीज, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। इसको मैंने ओपन किया यहाँ पर,
तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सोशल मीडिया कंपेन स्ट्रैटेजीज़। तो अब यहाँ पर ये देखें हाउ डू यू रिसर्च सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब ये मैंने हम मेरे जो पोस्ट का टाइटल जो है वो ये वाला टाइटल है हाउ सोशल मीडिया कंपेन स्ट्रैटेजीज़, लेकिन उसके नीचे हमने ये हेडिंग एक दी है ये देखें यहाँ पर, तो हाउ डू यू रिसर्च सोशल मीडिया मार्केटिंग। उसके बाद एक और हेडिंग आ गई व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू पोस्ट कंटेंट ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये हेडिंग जो है ये मैंने ऐसे ही यहाँ पर हेडिंग जो है ऐसे ही बनाते हैं यहाँ पर। देखिए मैंने गूगल के ऊपर सिर्फ ये सर्च किया है, उसके नीचे मुझे उससे रिलेटेड मज़ीद उसमें मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई। उसके बाद ये देखें इसके इस आर्टिकल के अंदर हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे तो हमारा आर्टिकल ऑटोमेटिक रैंक होगा क्योंकि उस आर्टिकल के अंदर ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब ये देखें यहाँ पर हाउ टू इंक्रीज सेल्स इन अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग। उसके बाद ये देखें यहाँ पर हम ये वाला टॉपिक ले लेते हैं हाउ टू हाउ मच कैन यू मेक मंथ मेक ए मंथ एज ए अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग। ये देखें अब उसने बता दिया इतनी आप अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग कर सकते हैं, ये भी हमारी एक हेडिंग हो गई। उसके बाद इज़ इट फ्री टू बी अमेजोन, ये भी हमारी एक हेडिंग होगी। क्या अमेजोन से जो हम अर्निंग एफिलिएट मार्केटिंग से जो अर्निंग करते हैं वो फ्री में है? जी हाँ बिल्कुल, ये भी हमारी हेडिंग होगी। उसके अंदर आपको ये आर्टिकल मिल गया। उसके बाद हमारे पास नीचे देख रहे हेडिंग बढ़ती जा रही है, आप जितना चाहे लंबा आर्टिकल लिख सकते हैं इस अगर आप इस तरह से कीवर्ड सर्च करोगे। ये मैं आपको एक रियल मेथड बता रहा हूँ कि जो जो बड़े बड़े ब्लॉगिंग वाले ब्लॉगर हैं ब्लॉगिंग करते हैं वो इसी तरह से कीवर्ड को यूज़ करते हैं। आप अगर अपने ब्लॉग के ऊपर इस तरह से कीवर्ड रिसर्च करके काम करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका ब्लॉग रैंक भी होगा, पोस्ट भी रैंक होगी और आप जो है आपकी अर्निंग भी सीपीसी रेट भी आपको जो ब्लॉग की क्लिक का जो होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप जैसे जैसे क्लिक करते जा रहे हैं नीचे आपको मज़ीद टॉपिक मिलते जा रहे हैं, आप इनके ऊपर अलग से भी आर्टिकल लिख सकते हो हर टॉपिक के ऊपर। कीवर्ड यहाँ पर आपको फ्री में कीवर्ड मिल रहे हैं तो आपको कीवर्ड टूल बाय करने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखें व्हाट इज़ हाईएस्ट पेइंग एफिलिएट प्रोग्राम, अब यहाँ पर इसके ऊपर भी आप एक आर्टिकल लिख सकते हैं, छोटा छोटा आर्टिकल बड़ा आर्टिकल लिख सकते हैं। आर अमेजोन एफिलिएट लिंक्स अलाउड ऑन पिंटरेस्ट, अब ये देखें एक ये हमारे पास एक टॉपिक मिल गया। तो इस तरह से आपने जो है जो क्या नाम है आर्टिकल के जो है टॉपिक जो है कीवर्ड जो है सर्च करने हैं। तो इसी तरह से अगर आप कीवर्ड यूट्यूब के ऊपर आ जाएं तो यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ हाउ टू मेक, तो मैंने हाउ टू मेक लिखा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग क्या क्या चीज़ें सर्च कर रहे हैं, हाउ टू मेक वेबसाइट, हाउ टू मेक फ्री वेबसाइट, हाउ टू मेक ई कॉमर्स वेबसाइट, हाउ टू मेक वेबसाइट फॉर अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग। तो इस तरह से आप कीवर्ड आपको यहाँ से मिल सकते हैं। अब आपने इन कीवर्ड को यूज़ करके आपने कॉपी पेस्ट काम किस तरह से करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपने इन कीवर्ड को तो तलाश कर लिया फाइंड कर लिया लेकिन आपने इसको यूज़ करके आपने कॉपी पेस्ट वर्क किस तरह से करना है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। तो आपने इसके ऊपर रिसर्च करनी है, कीवर्ड रिसर्च जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं ऑनलाइन फील्ड के अंदर, कीवर्ड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने कीवर्ड को अच्छे तरीके से इस तरह से जैसे मैंने सर्च किया है इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से नॉलेज मिलेगा। तो आप यहाँ पर कीवर्ड के ऊपर सर्च करें और अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो कमेंट्स करके या फिर ग्रुप के अंदर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक मुकम्मल आर्टिकल लिख के दिखाऊँगा कि आपने इन कीवर्ड को यूज़ करते हुए आर्टिकल आपने किस तरह से लिखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।